आपका दिल तोड़कर हम नया रिश्ता नहीं जोड़ सकते। आपकी रजामंदी के बिना हम इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वादा है हमारा आपसे, हम किसी और लड़की से अब शादी नहीं करेंगे। हम आपसे बहुत ही सीधी और साफ बात करने आए हैं। हमारे बेटे विशेष को आपके सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा है। हम उन्हें इतनी बड़ी भूल नहीं करने देंगे। आप हमारे बेटे की जिंदगी से निकल जाइए। हम आपसे बहुत ही सीधी और साफ बात करने आए हैं। हमारे बेटे विशेष को आपके सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा है। वो अपना भला बुरा देख नहीं पा रहे हैं। हम उन्हें इतनी बड़ी भूल नहीं करने देंगे। आप हमारे बेटे की जिंदगी से निकल जाइए। सॉरी राजमाता, मैं आपके इस फैसले का साथ नहीं दे पाऊंगी। फिर तो आप कल का संतान सप्तमी का व्रत ना ही रखें। माएं ये व्रत अपनी संतानों के लिए रखती हैं और संतान को मुंह मांगा उपहार देती हैं। कहीं विशेष ने कंचन को मांग लिया तो क्या करेंगे आप? आज संतान सप्तमी के दिन हम कंचन को आपकी खुशी के लिए इस घर में लेकर आ रहे हैं। अब माँ हमारे रिश्ते के लिए मान गई है कंचन जी। हेलो। शादी राजकुमार विशेष के साथ मगर सुहाग रात हमारे साथ मना चुकी हैं। इंगेजमेंट पर सीसीटीवी फुटेज तो तुमने देख ही ली है, अभी दूसरा तोहफा भी तुम तक पहुंच गया है। तूने मेरा फोन देखा है क्या? हेलो विशेष, मेरी बात ध्यान से सुन। कीर्ति को बोल जितना हो सके कॉन्वर्सेशन को लंबा खींचे, तभी हम लोकेशन का पता लगा पाएंगे। विशेष मिल गया, लोहा बांध गांव की तरफ जा रहा है। विशेष, अच्छा है कि आपने कंचन को नहीं मांगा। अगर उन्हें लेके आपके मन में अब भी कोई उम्मीद है तो उसे अभी से अभी निकाल दीजिए। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के मींचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना। हेलो। हाय, कैसे हो? सब ठीक है ना? आपकी दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आगे से इस मुद्दे पर इस महल में कोई बात नहीं होगी। कैसे बताएं आपको कि माँ अभी तक नहीं मानी? समझ सकती हूँ, वहां उम्मीद शायद डगमगा रही होगी, पर सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। हम दोनों जानते थे, पर अब मुश्किल रास्ता हमने चुना है तो तकलीफ तो होगी ना, निराशा भी आएगी, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि आज रात के बाद जब सुबह आएगी ना तो वो सिर्फ खुशियां लेकर आएगी, है ना? शादी मुबारक हो कंचन जी। हमने कहा था ना कि हम हमारे बीच के इस सगाई वाले रिश्ते को खत्म कर दें। अब थोड़े ही दिनों में आप हमारी पत्नी बन जाएंगी और हम आपके पति। माँ हमारे रिश्ते के लिए मान गई है कंचन जी, और वैसे ही जैसे आप चाहती थी, बिना किसी जोर जिद दबाव के। तो हमारी बीवी जी, अब केवल 4 दिन बचे हमारे सिंगलहुड के, उसके बाद आप हो जाएंगी कंचन विशेष ठाकुर। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि आप सरनेम लगाएं, वो तो हमने ऐसे स्पेशल इफेक्ट के लिए बोल दिया था।
चार दिन बाद? हाँ कंचन जी, चार दिन बाद। तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना? बोलो। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? तो एक काम कीजिए, आप ना यहाँ से सीधा अंदर जाइए और आपके पापा को देखे, वो अभी हमारी माँ से बात करें। जाइए, अरे जाइए, आपकी शादी की बात चल रही है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी बात जानने के बाद माँ कंचन को राजमहल की बहू बनाने के लिए कैसे मान सकती है? नहीं नहीं, हम माँ से बात करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं अनन्या बेटा, हो नहीं सकता, हो रहा है और अब कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, जब माता जी भाभी जी को नहीं रोक पाई तो भाभी जी का फैसला कोई नहीं बदल सकता। हे भगवान, हमारी कितनी थू-थू होगी, हमारे ससुराल वाले क्या कहेंगे? पता है चाची जी, इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होगा, हम अपने इकलौते भाई की शादी में नहीं जा पाएंगे। सब कुछ कैसे बिखेर के रखते हैं इस लड़की ने। हमारी तो तबीयत भी खराब हो गई है। अच्छा बेटा, रखते हैं, राधे राधे। बस बस बस, खुश रहो और हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। एंगेजमेंट पर सीसीटीवी फुटेज तो तुमने देख ही ली है, अब ये दूसरा तोहफा भी तुम तक पहुंच गया। तूने मेरा फोन देखा है क्या? हेलो विशेष, मेरी बात ध्यान से सुन, कीर्ति को बोल जितना हो सके कॉन्वर्सेशन को लंबा खींचे, तभी हम लोकेशन का पता लगा पाएंगे। विशेष, मिल गया, लोहा बांध गांव की तरफ जा रहा है। चलिए सरदार जी, चलते हैं, अब तो सब कुछ चाक चौबंद तरीके से अच्छे से हो ही गया, सब गुंजन बिटिया के भाग्य से हो रहा है। अब आप जल्दी से लड्डू सिंह से मिलने का कार्यक्रम बनाइए और बस माही और गुंजन बिटिया की शादी तय कर देते हैं। असल में ये लोग शॉपिंग वॉपिंग करने नहीं गए हैं, ये लोग सरदार सिंह के घर माही के रिश्ते की बात करने गए हैं। क्या क्या बात है, आप लोग लड्डू सिंह? पप्पू सिंह जी, हाउ हाउ, आपने तो बहुत ही कमाल किया पेपर में। आपके पिताजी बैल हैं ना? उनके चार पैर हैं ना? वो हल जोतते हैं ना? ये आदमी एक नंबर का नकलची बंदर है। मोरी जी, मुझे कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, आपने इंग्लिश के पेपर में हिस्ट्री का मसाला डाल दिया। ओए दिया अनीता जी, लेकिन हमको तो लिखने को बोला गया था ना। किसने लिखवाया था? आई गौ उत्सव में सर्वश्रेष्ठ गौरानी का चयन करने हेतु राधे कृष्ण में छिड़ता है द्वंद। हमारी रत्न ही बनेगी गौरानी। रंडा रत्ना रंडा। मठाधीश अपमानित करते हैं सुदामा के माता पिता को। ये ब्राह्मण शिक्षा पाने योग्य ही नहीं है। आचार्य जी, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं, किंतु मुझे ये मालूम है कि मेरे माता पिता को असत कहने का किसी को अधिकार नहीं है, आपको भी कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे बताता हूँ मेरा अधिकार। समस्त ब्रजमंडल के आचार्यगण बहिष्कार करते हैं सुदामा का, अब किस प्रकार शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं सुदामा? बच्चा का नाम रखने का हक ना फूगा का होता है। अरे अभी बेबी में बहुत टाइम है। हम सोचे हैं कि अगर लड़का होगा तो बउरा नाम रखेंगे और लड़की होगी तो बउरिया। सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। I love you शिष्टी। क्या कर रही हो अखिलेश, तुम मेरे पति नहीं हो। फिर हमारी आक्रोश से अपने आप को छुड़ा कहीं नहीं पा रही है आप। रुक जाओ अखिलेश, ये तो केवल आपके होठ बोल रहे हैं, पर सच तो ये कि आप भी हमारी भाव से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही हैं। गुल्लू!
सिद्धि मैं तुम्हें हासिल करके रहूं।